आज जनपद बदायूं में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप द्वारा गोद लिए हुए गांव के विकास पर्व मनाया गया। ब्लॉक दतागंज में विकास पर्व मनाने के लिए सरकारी अमला सुबह से ही गांव में मौजूद रहा। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने सुलभ शौचालय एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विकास खंड दातागंज की पंचायत बुसेला गाँव में मुख्य अतिथि धर्मेंद्र कश्यप, विशिष्ट अतिथि दातागंज विधायक राजीव कुमार बब्बू एवं बदायूं जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद कश्यप ने कहा कि साफ सुथरे एवं सुंदर गाँव को देखकर बहुत खुशी हो रही है। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा है कि गांव के सबसे पिछड़े गरीब तबके के व्यक्ति का सरकार द्वारा बिना भेदभाव जाति पाति से सबका साथ सबका विकास के आधार पर विकास किया गया है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने कहा कि जनपद में लगभग सभी पात्र लोगों के शौचालय सरकार द्वारा बनवाए गए हैं। विधानसभा के रूंधी गांव को सेकंड राउंड में हमने फरीदपुर विधानसभा के जो बसावनपुर गांव को वोट लिया, थर्ड राउंड में दातागंज का नगला उसेला किया। आपने नगला बसेला में ऐसी क्या अनियमितताएं या अव्यवस्थाएं या व्यवस्थाएं पाई जिसकी वजह से आपने इस गांव को ही गोद लिया? देखिए, ये व्यवस्थाओं का मामला नहीं था जी। हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जो जनप्रतिनिधि है वो एक ऐसा मॉडल पेश करे, एक गांव को गोद ले। उन्होंने कहा देश के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रमुख हैं, अधिकारियों तक को, कि अगर एक गांव की व्यवस्था को सुधार देंगे, ये जो सरकारी योजनाएं हैं अगर उनको ठीक तरीके से लागू हो जाएंगे उस गांव में, और आपसी तालमेल जब हो जाएगा, ये किसी हमारे करने से या सरकारी मशीनरी के करने से नहीं होते, आदर्श तब होगा जब उस गांव के लोग आदर्श हों। ये सारी व्यवस्थाएं हुई। मैं जब पुस्तिका को पढ़ रहा था तो सबसे जो आत्मीय प्रसन्नता मुझे हुई कि इस गांव की एक भी शिकायत कोई थाने के अंदर नहीं गई, थाने के अंदर लंबित नहीं है, थाने के अंदर कोई शिकायत नहीं है। तो जब लोगों की विचारधारा अच्छी होगी, लोग आपस में मिलजुल कर बैठेंगे, और जैसा भी डीएम साहब बता रहे थे, ये सरकारी कर्मचारियों से सफाई नहीं हो जाती। हम गए थे, बच्चियों ने अपने घर के सामने लीपने का पोतने का काम किया, सुंदर सी रंगों से उसको सजाने का काम किया। तो यही आदर्श गांव की मंशा और मानसिकता थे कि वो उस गांव के लोगों के बीच अच्छा तालमेल हो, वो गांव के लोग अच्छे हों, आपस में झगड़ा ना करें, जो बुराइयां हैं वो भी छोड़ने का काम करें, तो हमारा गांव एक आदर्श स्थापित हो सकता है। और इस गांव में जो हमने कल्पना की थी, कि विशेष बधाई मैंने गांव के लोगों को दी कि झगड़े झंझट से भी ये गांव बच गया और विकास की तरक्की की राह को देख रहा है। तमाम लोगों को आवास मिले हैं, शौचालय सड़क अच्छी है, यही मंशा आदर्श का। जी सर, इस गांव की आपको कोई विशेष जो चीज़ अच्छी लगी हो या बुरी लगी? सबसे अच्छी बात जो बच्चियों ने, महिलाओं ने मिलकर के गांव के लोगों ने इस साफ सफाई को अंजाम देने का काम किया, यही हमारी सरकार की मंशा है। देखें आप, स्कूल कितना बढ़िया है, पढ़ाई आप देखें, सफाई, दवाई की भी काउंटर आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। तो दवाई तो पढ़ाई, दवाई, सफाई, ये मूल जरूरतें हैं, और जब ये जरूरतें लोगों को पूरी हो जाएंगी तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसी उद्देश्य को लेकर। सर, ये 2019 के चुनाव